हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दुर्गा पुरोहित जोशी और आज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट दाल खिचड़ी। तो ज़रूर देखिए और ये झटपट बन जाती है, बहुत ही टेस्टी होती है। इसके लिए हमें कम से कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो हमारी कढ़ाई यहाँ पे गरम हो चुकी है, साइड में आपको इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे क्या क्या चाहिए हमें। अब इसमें हम राई जीरा डालेंगे, तेल हमारा गरम हो चुका है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, राई जीरा हमने डाल चुके हैं। अब इसमें हम प्याज लहसुन और अदरक ये डालेंगे। ये सब चीज़ें मैंने कट करके रखी है। मैंने 5 से 6 लहसुन की कली और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक लिया था और एक ऑनियन लिया था। तो ये सब चीज़ें हमने इस तेल में डाल दी है और हरी मिर्च 2 डाली है मैंने इसमें। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप तेज़ ज़्यादा खाते हो तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। देखिए हमारे प्याज भूनना चालू हो चुके हैं। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हमारे प्याज हल्का ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे एक धनिया पाउडर। ये मैंने करीब 1.5 चम्मच डाला है, बहुत ही छोटा चम्मच है, टीस्पून है वो। और इसमें मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, उसे बारीक चॉप किया था और वो टमाटर हमने इसमें मिला दिया है। और इसमें हम फ्रोजन मटर डाल रहे हैं 1 कटोरी। अगर आपके पास में नॉर्मल मटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, बस उसे थोड़ा और ज़्यादा सिझाना पड़ेगा। फ्रोजन मटर जो होते हैं वो जल्दी सीझ जाते हैं। इसमें हम नमक डाल रहे हैं, नमक स्वादानुसार, क्योंकि मैंने दाल में नमक नहीं मिलाया है। अगर आप दाल बना रहे हो तो दाल में नमक अगर मिलाया हो तो यहाँ पे आपको नमक स्किप करना चाहिए, पर मैंने दाल में नमक नहीं मिलाया है। अब हमारा जो टमाटर है वो सीझ गया है और यहाँ पे मैंने 1 लोटा पानी डाला है। इसे उबाली आने देंगे, फिर हम इसमें हमारी दाल मिलाएंगे। दाल मैंने 1 कटोरी मूंग दाल और 1 कटोरी तुअर दाल ली थी और वो मैंने कुकर में सिझा ली थी। ये देखिए मेरी दाल जो सिझाई है, बस हमें यहाँ पे दाल को घूटना नहीं है। दाल जैसी सिझी हुई थी वैसे ही हमें इसमें मिक्स करना है दाल को। इस दाल खिचड़ी में एक बात होती है, जितना चावल होता है उतनी दाल होती है। हम नॉर्मल खिचड़ी में क्या करते हैं, दाल की क्वांटिटी कम होती है और चावल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। पर हम जो ये दाल की खिचड़ी जो बनाते हैं इसमें दाल और चावल की क्वांटिटी सेम होती है और मूंग दाल यूज़ करने से थोड़ा चिकनापन आ जाता है दाल खिचड़ी में और वो पचने में भी हेल्दी होती है। तो मूंग दाल ज़रूर मिलाइए दाल खिचड़ी में। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी मूंग दाल और 1 कटोरी तुअर दाल ऐसे करके हमने कुकर लगाया था दाल का। देखिए उबाली आ चुकी है, तो अब हम इसमें चावल मिक्स करेंगे। चावल मैंने यहाँ पे जितनी दाल ली थी उतना ही चावल लिया है, मतलब मैंने 2 कटोरी चावल लिया है यहाँ पर। और हम सारे चावल धीरे धीरे, एक साथ हमें पूरा चावल नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके चावल डालना है इसमें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये दाल और चावल सभी मैंने अभी तुरंत बनाया था। दाल चावल का कुकर वही है, ये बचा हुआ या रात का ठंडा ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्रेश है दाल चावल, तभी हमारी दाल खिचड़ी एकदम स्वादिष्ट लगेगी और ये झटपट बन जाती है। तो आप इसे अपने रात के डिनर में ज़रूर शामिल करिए। जब हमें कुछ ना सोचे कि हम क्या बनाएं, तब आप ये दाल खिचड़ी ज़रूर ट्राई करिए और ये बहुत ही टेस्टी होती है। हमारी दाल खिचड़ी बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।